व्यायाम, ये शब्द हम सभी ने सुना है और ये जीवन काल में हमारे साथ ही रहता है किसी न किसी रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, चलना सीखते हैं, पहले घुटने पे चलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, तब हमारे घर के बड़े हमें रोकते नहीं। उन्हें ज्ञात है कि संतान ऐसे ही चलना सीखेगी, ऐसे ही उसके पांव और शक्तिशाली होंगे जो उसके लिए आवश्यक है। अब जीवन काल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्यायाम भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ रहता है, किंतु आप क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का आधार क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का मर्म क्या है? जब भी हम व्यायाम करते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियां टूटती, पहले टूटती है फिर पुनः उसका निर्माण होता है और श्रेष्ठ और शक्तिशाली मांसपेशियां हमें मिलती हैं। अर्थात व्यायाम सृजन का विज्ञान है। अब ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए जीवन में जब भी कुछ टूट जाए या कुछ छूट जाए तो निराश मत होइए, पुनः निर्माण करने का प्रयास कीजिए। और ये सीख आपको मिलेगी किसी पंछी से। जब वर्षा होती है, आंधी आती है, तो पंछी का घोंसला टूट जाता है, परंतु वो हार नहीं मानती, वो पुनः तिनका तिनका ढूंढती है, एकत्रित करती है और पुनः अपना घोंसला बनाती है, पुनः एक नए जीवन को जन्म देती है, एक नए परिवार को जन्म देती है। ऐसे ही जीवन में स्मरण रखिएगा, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, तो इस निर्माण के लिए टूटने का ज्ञान आवश्यक है, टूटी हुई वस्तु का सम्मान आवश्यक है। ये आचरण में लाइए, मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।